नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि हम पेन ड्राइव को हमारे कंप्यूटर से किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये सैंडिस्क की जो है 32 GB की जो है पेन ड्राइव है, जिसे हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। तो सिंपल करना है क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को सही तरीके से ऑन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को ऑन करके रखा है। अब आपको ये जो पेन ड्राइव है, इसको किसी भी USB पोर्ट में जोड़ना है अपने CPU के, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे CPU के आगे की तरफ जो दो पोर्ट दिए गए हैं, अगर आपके कंप्यूटर में आगे की तरफ इस प्रकार से पोर्ट है तो आप उन्हें वहाँ पे जोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके कंप्यूटर में पीछे की तरफ जो है पोर्ट दिए गए हैं तो वहाँ पे जोड़ सकते हो। तो फिलहाल किसी भी USB पोर्ट के अंदर, CPU के अंदर आप इसको, ठीक है, जोड़ सकते हो। तो मैं इसके अंदर इस प्रकार से इसे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव जो है कंप्यूटर में लग चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर में मैसेज भी आ चुका है सोनू F नाम से, ठीक है। तो F नाम से ये मेरी जो है पेन ड्राइव जो खुल के ओपन हो चुकी है और इस पेन ड्राइव के सभी फाइल्स आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी किसी भी पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी भी पेन ड्राइव को डायरेक्टली, ठीक है, जैसे यहाँ पे ओपन है और इस प्रकार इसको डायरेक्टली कभी भी मत निकालिए। अगर आप ऐसा करोगे तो इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो सब करप्ट हो जाएगी, वो सारा जो आपका डेटा है वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे में आप इन्हें बचाने के लिए कैसे इसको निकालें, निकालने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। सिंपल तरीका क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर साइड बार में ऑप्शन दिखाई देंगे दिस PC, ठीक है। तो दिस PC पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर इस स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो दिस PC पर जब आप जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे सी ड्राइव जिसके अंदर आपकी जो विंडो होती है, डी ड्राइव जो पार्टीशन करके रखा है हमने हार्ड डिस्क के अंदर, DVD ड्राइवर मेरे कंप्यूटर के अंदर DVD ड्राइवर है वो है, और ये F सोनू नाम से F जो है ये हमने अभी पेन ड्राइव कनेक्ट की है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से राइट करके इसको इजेक्ट करने की कोशिश करूँगा निकालने का, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट और इजेक्ट, फॉर्मेट पर क्लिक मत कीजिएगा, फॉर्मेट पर क्लिक करने पर सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। सिंपल आपको इजेक्ट पर क्लिक करना है। इजेक्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे सेफ टू रिमूव हार्डवेयर, आपकी जो पेन ड्राइव है वो सेफली रिमूव की जा चुकी है। यानी कि अब आप देखोगे तो स्क्रीन पर आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिखाई देंगे स्टोरेज के, क्योंकि जो पेन ड्राइव है वो कंप्यूटर से निकाली जा चुकी है। लेकिन फिलहाल जो है हार्डवेयर के रूप में ये कनेक्टेड है, लेकिन सिस्टम के अनुसार ये बाहर निकाली जा चुकी है, यानी कि सुरक्षित है। इसके अंदर जो जानकारी है वो सुरक्षित है। इस प्रकार आप अपने कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव को लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो आपका कंप्लीट होता है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।